सबसे लंबी कहानी। ये कहानी लखनऊ की एक रियासत की है। वहाँ एक बहुत ही सनकी नवाब रहते थे और उन्हें एक बार सबसे लंबी कहानी सुनने का भूत सवार हुआ। नवाब साहब के हुकुम को पूरी रियासत में फैला दिया गया। सुनो सुनो सुनो, सब लोग कान खोल कर सुनो। नवाब साहब का हुकुम है, जो उन्हें सबसे लंबी कहानी सुनाएगा उसे पूरे लखनऊ की जमीन और मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मगर जिसकी कहानी सबसे लंबी ना हुई उसे कैद में भी डाल दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। इनाम की जगह में दूर दूर से कहानीकार एक से एक अनूठी कहानियां सुनाने आए, मगर नवाब साहब को खुश ना कर पाए। वो कहानियां तो लंबी लंबी सुनाते, मगर नवाब साहब खामखा उनकी कहानियों में कुछ ना कुछ गलतियां निकाल दिया करते थे। ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे कहानीकार उनके महल की कैद में सड़ने लगे। वाजिद को अपने पिता का बेवजह कैदी बनाए जाना बहुत खला। ओहो, मेरे वालिद साहब ने उस नवाब का क्या बिगाड़ा था जो उसने उन्हें कैदी बना लिया। वो बेचारे तो उस नवाब को कहानी ही सुनाने गए थे ना। अब वाजिद ने उस नवाब साहब को सबक सिखाने की ठान ली और जा पहुंचा नवाब साहब के दरबार में कहानी सुनाने। नवाब साहब की खिदमत में सलाम अर्ज है। तो आप कहानी सुनाने आए हैं? जी नवाब साहब। तो इंतजार किस बात का कर रहे हैं, शुरू हो जाइए। जी नवाब साहब। एक किसान का बहुत बड़ा सा खेत था, उसमें वो अपने अनाज बोता था और वहीं उसके खेत के पास कुछ दिन बाद ढेर सारी चिड़ियों ने अपना झुंड बना लिया। जब भी किसान बीज बोकर जाता, सारी चिड़िया आती और बीज निकालकर खा लेती थी। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। चिड़ियों से परेशान होकर किसान अपने खेत की रखवाली करने के लिए दिन भर खेत में रहने लगा। पर चिड़िया भी कहां मानने वाली थी, एक नंबर की जिद्दी थी वो सब। उन्होंने भी तरकीब निकाली किसान को परेशान करने की। एक चिड़िया आई, उसने दाना चुगा, फिर हो गई फुर। फिर दूसरी चिड़िया आई, उसने भी दाना चुगा, फिर वो भी हो गई फुर। फिर एक और चिड़िया आई, उसने भी दाना चुगा, फिर वो भी हो गई फुर। फिर एक और चिड़िया आई, उसने दाना चुगा, वो भी फुर। अच्छा फिर क्या हुआ? होना क्या था मालिक, फिर एक चिड़िया आई, उसने दाना चुगा, फिर वो भी हो गई फुर। अरे फिर आगे क्या हुआ? नवाब साहब, चिड़िया आई, दाना चुगा और फिर हो गई फुर। ठीक है भाई, अब आगे भी तो बताओ। वही तो बता रहा हूँ नवाब साहब, चिड़िया आई, दाना चुगा और फिर हो गई फुर। नवाब साहब फुर फुर सुनकर बड़ा परेशान हो गए। चलो ठीक है, मान लिया सारी चिड़िया आई, उन्होंने दाना चुगा और फिर सब हो गई फुर, अब आगे भी तो बोलो। अरे ऐसे कैसे नवाब साहब, एक एक करके चिड़िया आएगी, वो दाना चुगेगी, सब दाने खत्म होंगे, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी ना। तो सुनिए, एक चिड़िया आई, उसने दाना चुगा और फिर हो गई फुर। तब नवाब साहब समझ गए कि आज उन्हें असली टैलेंटेड आदमी मिला है, ये कहानी तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। अब इससे सजा कैसे दूं? इसे इनाम देकर पीछा छुड़ाना ही बेहतर है। अरे भैया तुम फुरफुर बंद करो, सच में आपकी कहानी सबसे लंबी है। हम ऐलान करते हैं, इस शख्स को पूरे लखनऊ की जमीन इनाम में दी जाती है। शुक्रिया नवाब साहब, पर मेरा मुंह मांगा इनाम? वो भी मिलेगा, बोलिए आपको क्या चाहिए। जी आप सभी बंद कहानीकारों को रिहा कर दीजिए, मैं उसे ही अपना इनाम समझूंगा। बिना बात किसी को सताना अच्छी बात थोड़ी है, इससे खुदा भी नाराज हो जाता है और सल्तनत और बादशाह दोनों ही तबाह हो जाते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे लखनऊ पर कभी ऐसी मुसीबत आए। बात तो आप एकदम ठीक कह रहे हो, हम हुक्म सुनाते हैं कि सभी कहानीकारों को आजाद किया जाए और हम अपनी शहजादी का निकाह इन्हीं से करेंगे और हमारे बाद ये ही लखनऊ के अगले नवाब होंगे। इस तरह वाजिद ने अपने वालिद को ही नहीं छुड़ाया, बल्कि अपनी समझदारी से नवाब साहब को भी सीधे रास्ते पर ले आया। और ये किस्सा लखनऊ वालों के लिए एक सबक बन गया कि होशियारी और समझदारी से मुश्किल कामों को आसानी से किया जा सकता है।